दोस्तों, बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया को देखकर हर किसी को यही लगता है कि हमारे फिल्मी सितारे जितने खुश और मजाकिया फिल्मों में होते हैं, उतने ही खुश और बेफिक्र पल वो रियल लाइफ में भी जीते होंगे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि फिल्मी सितारों को भी हम लोगों की तरह ही आम समस्याएं होती हैं। उन्हें भी हजारों तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, कुछ लोग अपनी समस्याओं के चलते तो कुछ लोग अचानक अपनी लाइफ में आई बीमारी की वजह से दुनिया को बहुत ही जल्दी अलविदा कह जाते हैं। और आज के दिन इस लिस्ट में एक और नाम तब जुड़ गया जब एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 40 साल के सिद्धार्थ पूरी तरह से फिट होने के बावजूद अचानक हार्ट अटैक के शिकार हो गए और 2 सितंबर 2021 को उन्होंने हमसे विदा ले लिया। वैसे सिद्धार्थ का जन्म 12 दिसंबर 1980 को मुंबई, महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था, लेकिन उनका परिवार इलाहाबाद यूपी का रहने वाला था। अब ना तो पिता अशोक शुक्ला और ना ही माँ रीता शुक्ला का दूर दूर तक कोई भी एक्टिंग से कनेक्शन था, लेकिन फिर भी सिद्धार्थ बचपन से ही एक्टिंग में ही करियर बनाने का सपना देख चुके थे। और फिर पढ़ाई तो उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग की थी, लेकिन बचपन में देखा सपना उन्हें यह जॉब करने कहां देता। इसीलिए एक्टिंग में करियर बनाने के लिए उन्होंने 2004 से मॉडलिंग की शुरुआत कर दी। लेकिन दोस्तों, उन्हें कामयाबी मिलनी तब शुरू हुई जब उन्होंने टीवी शोज में काम करना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले 2008 में बाबुल का आंगना छोटे ना नाम के एक टीवी सीरियल में काम किया, लेकिन फिर आगे कुछ और शोज करने के बाद जब उन्होंने बालिका वधू में एंट्री ली तब उनकी पहचान पूरे भारत में हो गई। और फिर यहाँ से मानो कामयाबी ने उनके कदम चूम लिए हों। बिग बॉस का 13वां सीजन हो या फिर खतरों के खिलाड़ी का 7वां सीजन, उन्होंने दोनों ही अपने नाम कर लिया था। और दोस्तों, इंडियाज गॉट टैलेंट, सावधान इंडिया और बिग बॉस 14 जैसे फेमस टीवी शोज को होस्ट करके वह सभी लोगों के दिलों पर राज करने लगे। इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड मूवी हम पटे शर्मा की दुल्हनिया करने के साथ ही और भी कई सारी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। लेकिन अब जब अचानक से वह इस दुनिया को अलविदा कह गए तब उनके फैंस पूरी तरह से शॉक्ड हैं।